हेलो दोस्तों तो आज हम समझने वाले हैं कि आर आर बी जेई का सिलेबस उसका पैटर्न क्या होगा एग्जाम का और जो लास्ट एग्जाम हुए उसके एनालिसिस करेंगे तो मैंने एस एस सी पे भी वीडियो बनाई है अगर वो देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक दे रहा हूं आप देख सकते हैं या लास्ट में मैं थंबनेल भी दे दूंगा वहां क्लिक करके देख सकते हैं तो आर आर बी तो इसमें क्या क्या होता है किस तरह से हमने समझना देखिए हमारे पास इसमें दो एग्जाम होते हैं सीबीटी बी वन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू दो एग्जाम होते हैं उसके बाद अगर आप पहले को क्लियर करते हो तो आप सेकंड दे सकते हो बस सेकंड को क्लियर करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कि आप जो बोला है आपने सच है या नहीं ठीक है तो ये होगा और अगर ये क्लियर होता है तो भाई क्या है उसके बाद एक लाइफ जो है एक कूल cool लाइफ एक जिंदगी आपको मिल सकती है ओके तो हम आगे चलते हैं इसमें हम देखेंगे कि सीबीटी वन का सिलेबस क्या है तो सिलेबस पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ट्वेंटी मार्क्स का जर्नल साइंस थर्टी मार्क्स का तो टोटल हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होगा आपका ठीक है हंड्रेड क्वेश्चन हंड्रेड मार्क्स का एग्जाम होगा तो ये सीबीटी वन के लिए है सीबीटी वन में इसमें और डिटेल में देखेंगे तो हमारे पास यहां पे आएंगे तो हमारे पास एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये सब कुछ होता है तो इसमें हमारे पास सिलेबस क्या है सिलेबस देखें तो पार्टनरशिप टाइम सिंप्ल एंड वर्क मैं कॉम्बिनेशन एंड डाटा सफिशेंसी नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम ऑन एज एलिगेशन मिक्सचर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम पाइप एंड 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 डाटा इंटरप्रिटेशन एलसीएम एलसीएम एचसीएफ स्टींग्रोक्सीमेशन प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये हो गया एप्टीट्यूड का ये एप्टीट्यूड का सिलेबस है ओके आगे चलते हैं तो हमारे पास रीजनिंग में क्या आएगा रीजनिंग में एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग ब्लड रिलेशन कोडिंग डी कोडिंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ओके ग्रुपिंग एंड शेड्यूलिंग इनइक्वालिटी इनपुट आउटपुट ऑर्डर एंड रैंकिंग पजल सेटिंग ये सब कुछ आएगा हमारे पास किसमें uh, हमारे पास है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सिलेबस है ओके okay. अब हम देखते हैं कि तो हमारे पास इसमें फिजिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी सिलेबस है ओके okay. तो जर्नल साइंस जो आएगा जर्नल साइंस में हमारे पास होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो फिजिक्स में हमने क्या पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लाइट एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रेविटी साउंड और मोशन के बारे में केमिस्ट्री में आए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डिंग स्टेट ऑफ मेटल थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में देखें तो प्लांट ये प्लांट है प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन इकोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ये हमारा बायोलॉजी का सिलेबस होगा ओके एक एक चीज नोट कर लेना बेटा ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा अगर आप क्लियर कर लेते हैं सीबीटी वन ठीक है सीबीटी वन क्लियर करते हैं तो सीबीटी टू में आ जाएंगे आप तो अब देखते हैं कि सीबीटी टू का सिलेबस क्या है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 15 मार्क्स का आएगा जर्नल अवेयरनेस 15 मार्क्स का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये हमारे पास 10 मार्क्स का उसके बाद बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स का टेक्निकल एबिलिटी ये हमारा आ गया मतलब आप जो भी ट्रेड से रिलेशन रखते हैं उसका आपको टेक्निकल जो आएगा वो हंड्रेड मार्क्स का आएगा तो टोटल 150 मार्क्स है जो नॉन टेक्निकल आ जाएगा वो 50 मार्क्स का और टेक्निकल हंड्रेड मार्क्स का आ जाएगा ओके तो इसमें भी डिटेल देख लेते हैं हम कि डिटेल क्या है जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें हमारे पास नॉलेज ऑफ करंट अफेयर इंडियन ज्योग्राफी इंडियन इकोनमी हिस्ट्री ओके साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में इंडियन पॉलिटी इंडियन कल्चर स्पोर्ट्स आर्किटेक्चर अब ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट एम एस ऑफिस नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर वायरस स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनेट इसके बारे में आएगा अब देखिए यहाँ पे तो हम देखें तो ल्यूसेंट सबसे ज़्यादा हमारे काम आती है बुक ल्यूसेंट काम आ जाती है और कंप्यूटर वाले की बात करें तो कंप्यूटर मेरे भाई साहब इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता बेसिक पूछा जाता है तो आप इसको दो चार दिन भी दोगे तो आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो जाएगा तो ये लिखा ज्यादा है इतना है नहीं है इतना ज्यादा तंग नहीं करता अब आ जाते हैं हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे दो में एग्जाम जो हुआ था उसमें हमारे पास चार डेट्स में हुआ था उनतीस तीस इकतीस और उन्नीस डेट को हुआ था तो हमने एनालिसिस की है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी कितनी क्वेश्चन है वो हम देख सकते हैं तो मशीन डिजाइन हमारे पास सबसे पहले आता है दो तीन दो एक ये क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा नहीं है मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखें हाँ यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हो इसको आप स्टार मार्क कर लेना बेटा इसको स्पेशल जो तो ये हमारे पास स्टार आ गया स्टार सब्जेक्ट आ गया ग्यारह ग्यारह बारह ग्यारह इतने क्वेश्चन आए हैं इसके बाद देखिए तो मटेरियल साइंस भी अच्छा है इसको भी पढ़ सकते हैं नौ आठ ग्यारह चौदह और ये बेटा एनालिसिस पिछले वाले हैं हमेशा याद रखना जरूरी नहीं होता कि जो हमें पिछली बार एग्जैक्ट वही आएगा बात समझ रहे हो कि ये हम संभावना लगाते हैं और इसमें भी हमारे पास ये देखिए कुछ छोड़ा है क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा करवा रखा है और आप उसमें देखेंगे एस एस में उसमें भी पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रखा है तो हमें पूरा ही करना होता है हम हमने अपनी नॉलेज बढ़ानी है ओके अब देखेंगे सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो 10 9 5 10 फ्लूइड मैकेनिक्स देखें तो 11 7 8 8 फ्लूइड मशीनरी देखें तो कम है 0 3 0 1 उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देखें तो 10 10 9 10 यहां पे भी ठीक है थर्मल देखें थोड़ा कम है 0 5, 5, उसके बाद देखें तो थ्योरी ऑफ मशीन कम है जीरो जीरो चार जीरो ओके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भाई अल्टीमेट चीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डबल ट्रिपल स्टार जितने मर्जी लगा लो थर्टी सेवन थर्टी नाइन क्वेश्चन भाई बाकियों को मिलाओ और देखो इसको अकेले को अकेले में इतना दम है इस एनालिसिस से हमें थोड़ा सा पता ये लगता है कि हमें ये ज्यादा करना है ये छोड़ने नहीं है बाकी नहीं छोड़ने एक एक ये नंबर तो एक भी बहुत होता है बेटा इसका दो नंबर आए हैं तो आप इसको छोड़ दो वहां एक नंबर भी बहुत मैटर करता है पॉइंट टू फाइव भी बहुत होता है पावर प्लांट की बात करें चार दो दो एक उसके बाद आर एसी तीन जीरो एक एक उसके बाद आईसी इंजन तीन दो तीन पांच और हीट ट्रांसफर जीरो एक एक तीन तो ये हमारे पास इसका एनालिसिस है ओके आई होप कि ये चीज आपको एक बहुत ही काम आने वाली है ओके, okay? अब मेन बात आती है कि आप प्रिपरेशन कैसे करें देखिए बाकियों का मुझे पता नहीं लेकिन टेक्निकल की प्रिपरेशन मैं करवा सकता हूँ आपको हंड्रेड परसेंट करवा सकता हूं आप देखिए एस एस सी जई आ जाए आर आर बी जई आ जाए स्टेट लेवल जी आ जाए एचपीएससी जाए आईओसी भाई पूछे क्या क्या वो वो सोम टॉम फ्ल्यूड थर्मल ये सारे पूछेंगे ना वही तो मैं करवा रहा हूं बस ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड उसको अलग अलग नाम से बोल देते हैं कि एस एस जेई का अलग से बैच आर आर जेई का टेक्निकल की बात कर रहा हूं आर आर का अलग से बैच मेरे भाई टेक्निकल वही रहेगा सोम सोम ही रहेगा पा, चाहे जो मर्जी कंपनी पूछ ले जो मर्जी डिपार्टमेंट पूछ ले अब स्ट्रेस थोड़ा चेंज होने वाला है स्ट्रेस का फॉर्मुला चेंज होगा क्या आर आर में कोई और स्ट्रेस का फॉर्मला है और एस एस सी में कोई और इसके स्ट्रेस का फॉर्मला है भाई ऐसा नहीं होता आपको समझना पड़ेगा ये एक कॉम्बो पैक बनाया मैंने जिसमें चौदह सब्जेक्ट मैंने आपको करवाए हैं ये चौदह के चौदह सब्जेक्ट आप करके रखो देखो ये नहीं होता कि सर एग्जाम तो आने दो तभी तैयारी करेंगे ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है ये सबसे बड़ी बेवकूफ होती है भाई मेरे जब आर्मी अपनी प्रपेशन करती है फिजिकल ट्रेनिंग लेती है वो यह नहीं देखती अरे यार अब कौन सा जंग होने वाली है अभी तो पाकिस्तान और श्रीलंका वाले या चाइना वाले चुपचाप बैठे हैं ये तो कौन सा लड़ाई करें हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है वो बैठ जाए आराम से ऐसा नहीं होता ना कभी भी एग्जाम मान लीजिए आपके सामने आए तो आपके पहले से प्रिपरेशन हो और इनको प्रिपेयर करने के लिए एक महीना दो महीना नहीं छे छह महीने अच्छी तरह करने में लग जाते हैं तो आज से छ महीने बाद भी एग्जाम आएगा तो आप प्रिपेयर करके बैठे होंगे आपको सिर्फ एक निखार की जरूरत होगी दोबारा एक बार अपने आप को देखिए रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी बात समझ रहे हैं रिफ्रेश करने का टाइम तब होगा ये ऐसे नहीं होता कि यार मैं अब ना पढ़ा नहीं जाता मेरे से मैं ना तब पढ़ूंगा जब एग्जाम आएंगे ये मेरे भाई अब तो दो महीने रह गए मैं कैसे कर सकता हूं पहले पढ़ लेता तो बहुत अच्छा होता ये बहाने छोड़ दो ये बहाने छोड़ दो अपने आप को बहाने लगाने छोड़ दो अपनी आत्मा से बात करो दो होते हैं शरीर में दो चीजें हैं अच्छे और बुरे सीरियसली होते हैं जो आपको रोकता है कि मत कर उसको तूने दबाना है मैं नहीं आपके इस फीलिंग्स को खत्म कर सकता कि भाई मत पढ़ अभी ये आपके हाथ में है अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं वहां पे आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर भी आपको थंबनेल दे रहा हूं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप में मिलते हैं थैंक यू थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे